गुड टू सी यू आफ्ताब। थैंक यू। बहुत कुछ हो रहा है, प्लीज टेल अस। और स्पेशल ऑफिस राउंड द कॉर्नर। यस, बहुत ऑलरेडी वाइब्स जस्ट कह रहा हूं। यू नो इट्स एक्साइटिंग। प्रमोशन पूरी जोरों शोरों से चालू है। सो आई हैव जस्ट फिनिश्ड प्रमोटिंग, लॉट्स मोर टू गो। 12 नवंबर को रिलीज है तो ऑब्वियसली एक्साइटेड है और बहुत कुछ काम करना बाकी है वैसे। सो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब स्पेशल ऑफ जैसा एक बहुत फेमस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनता है? और इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन द कैरेक्टर। कैरेक्टर आई कांट थ्रो लाइट, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि रॉ पर है तो ऑब्वियसली एक एक इंटेंसिटी वहीं इनहेरेंटली आ जाती है। बट एक एक ऐसी सीरीज है जिन्होंने लोगों ने 2020 में इतना सराहा है, इतना देखा है, तो ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही कोशिश है कि इस फ्रेंचाइज को हम जितना हो सके आगे लेके चले। डिफ़िकल्ट है ये बताना, ये मुश्किल है क्योंकि सारी चीज़ें जो है शो में भी क्लासिफाइड है, तो जब शो निकलेगी ऑन एयर 12 नवंबर को तो सारी चीज़ें पता चल जाएगा। नीरज पांडे क्योंकि मैंने इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? अमेजिंग है, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम आई वुड से। चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हर बार काम करूँ। नीरज सर इज़ अ जीनियस एज यू नो, वो बहुत अच्छे, उन्होंने इस तरह की फिल्मों में या सारी तरह की फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। So for an actor, it's a pleasure to work with someone as clear and as accomplished as Neeraj sir. And KK sir, तो मतलब जितना कहूँ कम है क्योंकि वो ऐसे एक्टर है जो मतलब मैं अगर कहूँ तो it doesn't do justice to his talent, but उनके साथ काम करने का अनुभव has been amazing, absolutely amazing. Recently अभी मतलब what we know about South में जो मैं उसका नाम सही से pronounce नहीं कर पाऊँ। कोटी गोबा। 40 करोड़ 4 दिन में कमाना और इस हालात में जिस हालात में हम गुजर रहे हैं जहाँ थिएटर को लेके बड़ी पैंडमिक है, एक्यूपेंसी कम है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है क्योंकि थिएटर में रिलीज़ होना इस पैंडमिक के दौरान वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। सो एक आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ये एक इंडिकेशन है कि लोग कितना सिनेमा में जाकर फिल्म देखना चाहते हैं, यू नो। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रेंड वहाँ पर है यहाँ पर भी हो और हमारी फिल्में चले, लोग दर्शक पूरे सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स के साथ थिएटर आए और फिल्मों और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये जो सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है, जो दौर है, वो वापस आ जाए और लोग इसे बड़ी तादाद में देखें। नीरज पांडे जी की लोकेशन हमेशा बहुत ही स्पेशल ऑफ 1.5 हम लोगों ने इंडिया, मॉरिशस और यूक्रेन में शूट किया था। स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी तो जाहिर सी बात है कि हमें बाहर जाके शूट करना पड़ा क्योंकि जो रॉ होता है वो सिर्फ इंडिया में नहीं होता, उनके एजेंट्स पूरी दुनिया में होते हैं। तो जैसे कि कहानी आगे चलती है आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने इस जगह में क्यों शूट किया, तो वो स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी और शो का प्री रिक्वायरमेंट था उसका स्केल, और स्केल पर वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शूट इन दोज कंट्रीज स्केल इस्टेब्लिश करने के लिए। यही कर रहे हैं हम लोग, स्पेशल ऑप्स लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। यही उम्मीद है कि सब लोग एक हैप्पी, सेफ और प्रॉस्पेरस दिवाली। सेफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, घर में रहें, घर वालों से मिले लेकिन विद सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि हमें लगता है कि पूरा ये कोविड जा चुका है, बट यू डोंट वॉन्ट टू बी टेकिंग एनी रिस्क। आई वुड से हैव अ सेफ, हैप्पी, प्रॉस्पेरस दिवाली।